दोस्तों, अगर आप अपने पुराने फ़ोन को अच्छे प्राइसिंग में सेल करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अपने ओल्ड फ़ोन को बेच सकते हो काफ़ी अच्छी प्राइसिंग में, एंड आपको किसी भी मतलब OLX टाइप या फ्लिपकार्ट का एक्सचेंज ऐसा कुछ मैं नहीं बताऊंगा। मैं एक आपको जेन्युइन साइट बताऊंगा जहां से मतलब आप फ़ोन को सेल कर सकते हो, वो भी अच्छी प्राइसिंग, काफ़ी अच्छी प्राइसिंग से आप मतलब अपने फ़ोन को सेल कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको सिंपली क्या करना है, अपने गूगल के क्रोम को ओपन कर लेना है एंड यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है रिसाइकल डिवाइस। आपको रिसाइकल डिवाइस को सिंपली यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको इस साइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको पहला साइट आता है रिसाइकल डिवाइस, इसको सिंपली आपको ओपन करना है एंड आप जो भी फ़ोन को सेल करना चाहते हो वो फ़ोन को आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे आपका ढेर सारे ऑप्शंस आ गए हैं, यहाँ पे मैं मोबाइल को सेल करना चाहता हूँ इसीलिए मोबाइल पे क्लिक करता हूँ। तो आपका जिस ब्रांड का फ़ोन है उसको आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। तो मेरा रियलमी का फ़ोन है, मैं रियलमी के फ़ोन को सेल करना चाहता हूँ तो यहाँ पे रियलमी पे क्लिक करता हूँ एंड उसके मॉडल को भी आपको सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे आपके जितने भी मतलब फ़ोन्स हैं सभी फ़ोन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड आपको एक बात बताता हूँ कि जो ये मतलब जितनी चीज़ों को ये पूछता है आपको सही सही बताना, आपको गलत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी फिल नहीं करना है। तो मैं रियलमी 6i फ़ोन को यहाँ पर क्लिक कर दिया हूँ एंड यहाँ पर मेरे जितने भी स्पेसिफिकेशंस हैं सब शो कर रहे हैं। अब मेरा पूछ रहा है मतलब चूज़ द वेरिएंट, मतलब कौन सा वेरिएंट है। मेरा 4GB का वेरिएंट है, मैं उसको क्लिक कर दिया हूँ एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझको 8,390 रुपये तक इस फ़ोन के मिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके नीचे जाना है एंड अब आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर रहा है। तो पहला पूछ रहा है कि आपके पास बॉक्स, ओरिजिनल चार्जर एंड वैलिड बिल है या नहीं है। तो तीनों मेरे पास है, मैं तीनों को क्लिक कर देता हूँ नेक्स्ट करने के। फिर यहाँ पर आपका पूछ रहा है कि ग्लास डिफेक्ट, मतलब आपके ग्लास पे कहीं मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं स्क्रैचेज या कहीं पे मतलब ख़राबी तो नहीं है। तो ये मेरे ग्लास पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने नो डिटेक्ट पे क्लिक करता हूँ फिर नेक्स्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि मतलब आपका डिस्प्ले डिफेक्ट तो नहीं है, मतलब डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इंटरनल। तो यहाँ पे भी मेरे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने हिसाब से आपके फ़ोन में अगर प्रॉब्लम है तो आप इसको सही से भरेंगे तो सही रहेगा, आपको गलत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं फिल करना है। एंड बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो बॉडी में भी मेरे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो किस मतलब कहीं भी बेंड भी नहीं हुआ है, क्रैक भी नहीं हुआ है, तो मैं कर देता हूँ। एंड यहाँ पे जितने भी चीज़ें होती हैं जैसे फ्रंट कैमरा होता है एंड ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं, ये पूछ रहा है मतलब कहीं फॉल्ट तो नहीं है। तो ये भी मेरा फॉल्ट वॉल्ट नहीं है, मतलब कुछ भी मेरा मतलब इसमें प्रॉब्लम नहीं शो, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको नेक्स्ट करके दिखाता हूँ। एंड ये लास्ट पूछ रहा है आपकी डिवाइस की एज कितनी है, मतलब आप फ़ोन को कितने दिनों तक यूज़ कर लियो या कर रहे हो। तो यहाँ पे मेरा लगभग 5 to 10 months मैं फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ। और अब आप अपने फ़ोन नंबर को अगर डालते हैं तो डायरेक्ट ही आपकी प्राइसिंग बता देगा। जैसे मैं अपने फ़ोन नंबर को यहाँ पे डाल दिया एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे 6,831 रुपये मिल रहे हैं एंड नीचे वाले ऑप्शन को आप क्लिक कर दोगे तो आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो मतलब टोटली मेरे फ़ोन के 7,131 रुपये मिल रहे हैं अभी के टाइम। तो अगर आपको सेल करना है तो आप सिंपली यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद ये आपका मतलब सर्च करेगा, ये आपके कुछ मतलब आइडेंटिटी मांगेगा, उसको आपको फिल कर देना है। फिर कोई बंदा आएगा जो आपका प्रोडक्ट लेकर जाएगा एंड आपको पैसे भी देकर चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस इंफॉर्मेशन को फिल कर देना है। तो ऐसे कर आप भी अपने फ़ोन के जितने भी मतलब आपका ओल्ड फ़ोन है उसको आप अच्छे प्राइसिंग में सेल कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब फ़ोन को सेल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है ना, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो या कहीं पे अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल पे अगर नए हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आपको वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।